तो आप सभी ने जिन्होंने SRN नंबर अपना मैसेज में टाइप किया, सभी की अटेंडेंस नहीं लग रही है? मैम मुझे नहीं पता, मगर फोन नहीं आया था मैम का। मैम मैम बता कि तुम क्लास लेते हो? मैं बोली हाँ मैम, मैं रोज लेती हूँ क्लास, तो तुम्हारी हाजिरी लगती है? मैंने बोला पता नहीं मैम, मैंने लेने नहीं दी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं ऑपरेशंस टीम में जो होंगे उनसे बात कर दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, परिमेय संख्याओं को निरूपित करना संख्या रेखा पर। तो हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित किया था। सबसे पहले आधा सीखा था, आधे को कैसे बनाते हैं, 0 और 1 के बीच में आपका आधा होता है। तो इसी तरह जैसे आपके जिनमें बटे में 2 हो, 5/2, 7/2, 9/2, तो हम उन्हें क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में बदल लेते थे। 9/2 को लिख लिया 4 1/2, इसका मतलब क्या होगा, आपकी संख्या रेखा पे वो 4 और 5 के बीचम बीच आधी दूरी पर आपका 4 1/2 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट 4 1/2। क्लियर था यहां तक? ये सभी को समझ में आया था 4 1/2 बच्चों? ये पॉइंट आपका क्या होता था, 4 1/2, 4 और 5 के बीच में आधा आधा, 4 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, परिमेय संख्याओं में जिनमें बटे में 2 नहीं बाकी और संख्याएं आती हैं, उन्हें कैसे निरूपित करें। तो हमने उचित भिन्न भी करना सीखा था। उचित भिन्न के कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे 3/5, 4/5। तो हमने ये देखा था कि उचित भिन्न गुड जो भी होते हैं। इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें 7 बजे से, पर अभी कुछ नया नहीं शुरू किया है, पुराना ही डिवाइस करा रही हूँ। तो उचित भिन्न आप सभी को पता है उसका मान 1 से क्या होता है, कम होता है। तो 4/5 आपका 1 से कम होगा, तो ये कहाँ पे आएगा, चूंकि ये धनात्मक भी है तो ये 0 के आगे आएगा, और 0 से आगे और 1 से कम, तो 0 और 1 के बीच में ये संख्या आएगी। अब हम कैसे निकालें 4/5 कहाँ पे आएगा, तो बटा देखें, बटे में 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम 0 और 1 को 5 भागों में बांटेंगे। 5 भागों में बांटने के लिए बीच में कितने बिंदु लगाते हैं बच्चों, बताओ बीच में कितने पॉइंट्स लगाने होंगे, क्योंकि चार, हमें 5 भागों में चार, बांटना है। कितने, मैम चार, चार, बिल्कुल सही, एक कम लगाते हैं तो 5 भागों में बांटना है, तो मैम 4 चार, लगाएंगे, बिल्कुल सही, 1 2 3 4, ऐसे लगाओ कि बराबर बराबर दूरी पर हो। तो आपका पहला पॉइंट कहलाएगा 1/5, 2/5, फिर 3/5 और 4/5, ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो जो आपसे पूछा जाए 4/5 बताओ, तो 4/5 जिस पॉइंट पे बुलाया है वो आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सभी को समझ आया था इतना? यस फिर उसके बाद हमने मैम, नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात की। ये वाले प्रश्न वाले हमने नोटबुक में कर लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी बच्चे अपने नोटबुक में या वर्कबुक में जरूर सॉल्व करा करें, रोज का रोज रिवाइज करा करें, ताकि और आपका पक्का हो जाए, और जो कुछ भी नहीं समझ में आए छोटी से छोटी बात भी वो पूछ लिया करें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना देख रहे थे। तो हमने ये पढ़ लिया था, दो पूर्णांक के बीच में बताओ कितने पूर्णांक आते हैं, ये पढ़ा था हमने। दो पूर्णांक के बीच में सीमित या परिमित पूर्णांक आते हैं, लिमिटेड आते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, है ना? बताओ बच्चों याद आ रहा है, पिछली बार हमने पढ़ा था संख्या रेखा पर कोई भी दो पूर्णांक के बीच में हमेशा परिमित पूर्णांक आएंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण देखा था -5 और 3, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आए थे बताओ, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, 7, 7, बिल्कुल सही, ये आपके 7 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पूर्णांक है, 7, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये कितने हुए, सीमित हुए, गिनती हो सकती है, परिमित हुए। ठीक है, इसी तरह हमने क्या देखा था, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में की बात की गई थी। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, कोई दो लगातार पूर्णांक हो तो उनके बीच में कितने पूर्णांक होते हैं बताओ,
मैम जीरो जीरो, बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। यदि कोई दो पूर्णांक एकदम लगातार है तो उनके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होगा, तो वो भी हम गिन सकते हैं। वो कितने हो जाएंगे? जीरो। जैसे -2 और -3, -2 और -3 दोनों क्या है? लगातार आ रहे हैं, तो इनके बीच में कोई पूर्णांक है? नहीं। तो इनके बीच में आपका कोई पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांकों की संख्या क्या हो गई? जीरो। तो निष्कर्ष ये था बात का कि कोई भी पूर्णांक ले लें, कोई भी दो पूर्णांक ले लें, चाहे हम क्रमागत ले लें चाहे दूरी पर ले लें, उनके बीच हम गिन सकते हैं कि कितने पूर्णांक हैं। ठीक है, निष्कर्ष यही है कि सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें कि दो पूर्णांकों, ये वाली लाइन जरूर लिखें कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो होती है वो सीमित या परिमित होती है। हम उन्हें गिन सकते हैं, दो पूर्णांकों के बीच में जो भी पूर्णांक होंगे वो गिने जा सकते हैं, सीमित होंगे या परिमित होंगे। लिख लिया था बच्चों? हो ठीक है, लिख लें, जल्दी से लिख लें। गया। यस दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या को हम गिन सकते हैं, वो सीमित होते हैं या मैम। परिमित होते हैं। तो ये बताने का मेरा वो क्या था, लास्ट भी बताओ, लास्ट टर्न पे मैंने आगे भी बताया था। ये मैंने बात इसलिए बताई थी कि पूर्णांकों में तो हम गिन सकते हैं, पर परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी ये हम नहीं गिन सकते। यहाँ से ये बात याद रखना, मैम आप पूर्णांकों के परिमित बीच में हम नहीं कर पूर्णांक सकते। ही देख रहे थे, वहां हम परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, पूर्णांक तो वो ही होंगे, परिमेय संख्याओं के बीच में भी आपके पूर्णांक सीमित ही होंगे, लेकिन परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं वो आपकी अनंत हो सकती हैं। वैसे तो बच्चों सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्याओं के बीच में पूर्णांक आपके लगातार सीमित होंगे। परिमेय संख्याओं के बीच में पूर्णांक, यदि आपसे पूछा जाए परिमेय संख्याओं के बीच में पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक आपके सीमित होंगे, लेकिन यदि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ही पूछी जाए तो वो असीमित हो जाएंगी। समझ में आया इतना बच्चों? यस यस मैम, यस जैसे मैम, हमने ये सीखा यस था, सभी बच्चे बताएं, आज खुद से बताएं, लास्ट टर्न पे हम कर चुके हैं, 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं आज आप लोग बताएं क्या होंगी। लास्ट टर्न पे हमने तीन पढ़ा बट था मैम मैम तीन तीन बट्टे बटे तीन और बट्टे पांच चार और बटे चार पांच बट्टे पांच बिल्कुल सही। मैम और बताएं बच्चों? 5/4 5/5 और 6/5। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो हर है वो दोनों का सेम है। जब हर सेम होगा तो हम अंश को क्या कर सकते हैं, अंश की तुलना कर सकते हैं। जब हर समान होगा तो अंश की तुलना की जा सकती है। अंश में 2 और 7 आ रहा है, 2 आपका छोटा होता है 7 से, तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 3, 4, 5, 6। तो इसके बीच में आपका कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5। तो ये सारी, हाँ, तो ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। तो इनमें से कोई भी 2 आपसे पूछी जा रही है, आप कोई भी 2 बता सकते हैं। ठीक है, पर बच्चों ध्यान रखना, ये तो आपको निकालने के लिए मैंने आसान तरीका बताया कि हर सेम है तो अंश की तुलना कर लो, लेकिन इन 4 के अलावा भी कोई आप कहो कि ये सीमित है, 4 ही तो है, नहीं, इन 4 के अलावा भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने सिर्फ आपको 4 ही बताई है क्योंकि आपसे 2 ही पूछी जा रही थी। आप और भी संख्याएं निकाल सकते हो इनके बीच में परिमेय संख्याएं, जिनका हर कुछ और होगा। यहाँ हमने देखो हर सबका 5 रखा है, कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं होंगी जिनका हर कुछ और हो लेकिन वो आएंगी इनके बीच में ही। ठीक है, तो हाँ, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम दूसरा देखते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो, -5/3 और -8/7, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो बताओ क्या होंगी? -5/3 और -8/7,
कि बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखनी है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखें, सभी बच्चे ये क्वेश्चन उतारें अपनी कॉपी में। तीन और आठ सात। अपनी कॉपी में लिखे -5/3 और -8/7 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखनी है। अच्छा अच्छा बच्चों अपना माइक तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ बात करनी हो, वरना आप अपना माइक ऑफ ही रखो, ठीक है? क्योंकि आपके कुछ ना कुछ आवाज थोड़ी ओके बहुत मैम। आपको रहती है, उससे क्लास डिस्टर्ब रहती है, ठीक है? तो आप देखते हैं, चूंकि देखो यहाँ पर दोनों का हर सेम नहीं है, एक का हर क्या है 3 और एक का हर है 7, तो हम अंश की तुलना तो कर नहीं सकते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली थी अंश की तुलना। तो आप क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे किसी को कोई आइडिया? मैम जितनी संख्या निकालनी है उससे एक संख्या लेके इनको आपस में मतलब गुना कर देंगे। गुणा कर देंगे, मतलब पहले गुणा करके इस तरह गुणा करेंगे कि हर को समान कर लें। हमें हमेशा मैम ये कोशिश करनी है कि हर दोनों का समान हो। जब पहले नीचे की संख्या दोनों की समान हो जाएगी तो फिर हम अंश की तुलना करके बीच के सारे मान निकाल सकते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था आपका कि क्या था, 2/5 और कितना था, 3/5, और वो था आपका कितना था, 2/5 और 7/5। तो 2/5 और 7/5 में आपका क्या था, हर समान था, यहाँ आपका हर अलग है। तो हम हर को सेम करने की कोशिश करेंगे तभी हम अंश की तुलना कर सकते हैं। बताओ बच्चों समझ में आया? यस मैम तो हर को समान कैसे करेंगे, हर को समान कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो या दोनों की गुणा कर दो। यहाँ आपका देखो एलसीएम और गुणा एक ही होगी, 3 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 21। एक 21 आपका, हाँ एक आपका -5/3 है और एक -8/7 है, तो हमें दोनों का हर 21 लाना है। तो इसकी 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसकी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि आपके जो भिन्न है उस पर कोई फर्क ना पड़े, जो परिमेय संख्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है? तो आपकी परिमेय संख्याएं वही रहेंगी। तो ये आपका कितना हो गया बताओ, ये कितनी आ गई परिमेय संख्या, -7/5 35/21, और ये कितना हो जाएगा, यस आठ या मैम 24/21, ठीक है? तो आपकी जो संख्याएं थी अब वो वही है, बस हमने क्या करा उन्हीं के इक्वल कुछ मान लिया। जैसे आपकी जो संख्या थी -5/3, तो ये आपकी -5/3 ही है, बस हमने क्या करा 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो रहेगी तो ये -5/3 ही, ये आपकी -8/7 ही है, बस हमने क्या करा 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। क्लियर हुआ? यस मैम यस मैम दोबारा आप 3 से भाग दे दोगे फिर से वही आ जाएगा, इधर आप 7 से भाग दे दोगे दोबारा फिर से -5/3 आ जाएगा, ठीक है? तो संख्या ही नहीं बदली है, बस संख्याओं को हमने उस रूप में लिख लिया जहां पर उनका हर दोनों का सेम हो, ठीक है? हर सेम हमने करने की कोशिश क्यों की कि नीचे की संख्या जब सेम होगी तब हम अंश की में जो संख्याएं हैं उनकी तुलना कर सकते हैं। तो हम अब तुलना कर लें, तो ये आपका क्या आ गया, एक आ गया आपका -35/21 और एक आ गया -24/21। क्लियर है? यस अब दोनों संख्याओं के बीच में जैसे हमने पहले उदाहरण एक में करा था, समान परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। क्या करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, -35 और -24। तो इनके बीच में बताओ कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, मैम -36 -33 -38 -40
सॉरी मैम, -25 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 बिल्कुल सही, सभी को समझ में आया। निगेटिव में कौन सी संख्याएं बीच में आएंगी? आप निगेटिव में जब देखोगे तो यहाँ पर आपकी उल्टा चलता है, पॉजिटिव से उल्टा, यहाँ पे निगेटिव में जीरो, फिर आपका माइनस वन, फिर माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे। तो जब आपसे कहा जाए कि माइनस चौबीस और माइनस पैंतीस के बीच में बताओ, तो माइनस चौबीस और माइनस पैंतीस के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो कौन सी होंगी? माइनस 25, माइनस 26, माइनस 27, इस तरह की संख्याएं होंगी। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम, यस मैम। निगेटिव में जाएंगे तो इस तरह की संख्याएं आएंगी। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में जैसे नोट करेंगे कैसे कि आपकी कौन कौन सी संख्याएं आई, ये सारी संख्याएं आई, माइनस 25 बटा 21, माइनस 26 बटा 21, माइनस 27 बटा 21, माइनस 28 बटा 21, माइनस 29 बटा 21, माइनस 30 बटा 31, माइनस 31 बटा 21, 32 बटा 21, फिर माइनस 33 बटा 21, माइनस 34 बटा 21। अब इनमें से आपसे पूछी जा रही है कोई भी पांच परिमेय संख्याएं, तो आप कोई भी पांच परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। करें अपनी कॉपी में कोई भी पांच परिमेय संख्याएं लिख लें, इनमें से सारी लिखना चाहे तो सारी लिख लें, नहीं तो पांच लिख लें। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। पहले हमने क्या करने no, की कोशिश की, हमने पहले हर को समान करने की कोशिश की, दोनों का एलसीएम लेकर या गुणा करके हमने दोनों का हर सेम कर लिया। जब नीचे की संख्या दोनों की समान हो गई तो अंश के संख्या की हमने क्या कर ली? तुलना। अंश की संख्याओं की तुलना कर ली। तो तुलना करने के बाद जो बीच में संख्याएं आई वो सारी संख्याएं हमारी बीच ही परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दूं आपको, सभी बच्चे करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं 3/5 और 4/7 के बीच की कोई भी तीन परिमेय संख्याएं बताओ। के बीच तीन परिमेय संख्याएं बताएंगे, बताएं। तीन बटा पांच और 4/7 के बीच की तीन परिमेय संख्याएं बतानी है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उसके बाद मुझे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। बेटा बैक कैमरा स्टार्ट करो, बैक कैमरे से आपकी कॉपी पे फोकस होगा। बैक कैमरे का निशान ऊपर देखिए इस तरीके का आ रहा होगा, कैमरा फ्लिप हो जाएगा आगे की बजाय, फ्रंट कैमरे की जगह बैक कैमरा काम करेगा। हाँ, अब आपकी कॉपी दिख रही है, सीधी करें, सीधी 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 कॉपी करें। बेटा फीवर है, ठीक है, आप क्लास लेफ्ट कर दें, पर कल आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी तो उसे जरूर सुन लीजिएगा। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? फीवर है तो क्लास कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही। क्या करा आपने?
पहले इनका हर सेम किया तो 5 की 7 और 5 और 7 का एलसीएम कितना आया 35। तो 35 लाने के लिए इसकी गुणा किससे की 7 से और इसकी गुणा किससे की 5 से। सभी ने ऐसा करा तो ये कितना आ गया 21/35 और ये कितना आया 20/35। ये तो बराबर बराबर ही आ गया। फिर कैसे 3 संख्याएं होंगी, ये तो क्रमागत ही आ गई। बेटा ये क्वेश्चन सही करो तो फिर क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ है। क्वेश्चन में ही ये तो क्रमागत आ गई, बीच 3 परिमेय संख्याएं कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में 4 की बजाय 3 कर लो, 3/7 कर लो, 3/7 कर लो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी 3/7 कर लो तो 3/7 का 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15। अब निकाल सकते हो क्योंकि वो तो क्रमागत ही आ गई थी, उनके बीच तो 3 परिमेय संख्याएं बन ही नहीं रही थी, जो तरीका अभी तक मैंने बताया है आपको, है ना। हाँ अब आपका बिल्कुल सही है। 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और 20/35, ये सारी आपकी क्या आ गई, बीच में परिमेय संख्याएं आ गई। बिल्कुल सही। अब सभी को समझ में आया, पहले गलती समझ में आ गई थी यस क्या थी, दोनों की क्या थी क्रमागत ही आ गई थी। हर हर सेम करा तो अंश भी उनका क्या आ गया था, क्रमागत आ गया था, 20/35 और 21/35। तो बीच हम वैसे निकाल ही नहीं सकते थे, कोई और मेथड से निकाल सकते थे, इस मेथड से नहीं। तो अब सभी बच्चों को आया, कोई भी 3 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो इन 5 में से। क्लियर है। दिखाए बच्चों मैम, अपनी सभी कॉपी। हाँ यस मैम, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही भी कर रहे हैं। क्लियर है अब। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ आपका भी सही है। हाँ कोई भी 3 संख्याएं ले ली, हाँ पहली 3 परिमेय संख्याएं ले ली, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम 15/35 और 21/35 के बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्याएं ले लें, आपकी इनके बीच तुलना कर सकते हैं अंश की। 15 आपका छोटा है 21 से, तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आपकी कोई भी 3 परिमेय संख्याएं इनमें से ले लें, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और 20/35। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में आ रही हैं। किन किन के बीच में आ रही हैं, आपका 3/7 और 3/5 के बीच में। ये आपका 3/7 है यहाँ पे, ये आपका 3/5 है। 3/7 को हमने यहाँ पे क्या लिख लिया था, 5 से गुणा कर दी तो ये आपका 15/35 हो गया, यहाँ पे 7 से गुणा कर दी तो ये आपका 21/35 हो गया। ठीक है, तो कोई भी इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं 3 पूछी गई थी, आप इनमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। बिल्कुल सही, सभी को समझ में आया। यस मैम, तो आगे चलते हैं मैम बच्चों, अब आगे इस तरह की संख्याएं देखते हैं। 2 पूर्णांक ले लिए, 2 पूर्णांक के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। सभी बच्चे क्वेश्चन लिखें, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। आपका संख्या रेखा पर ये -1 ये है, ये -2 है। -1 और -2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करें। कर लिया नोट बच्चों, यस मैम, यस कैसे नहीं निकलेगा, निकलेगा। अभी अब हम मैम, उसका तरीका देखेंगे कैसे पूर्णांकों के बीच में कैसे निकालते हैं ये।
माइनस दो और माइनस एक के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ध्यान से देखें, यहाँ आपको जो है माइनस दो और माइनस एक को पी वाई क्यू के रूप में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसीलिए तो आप कह रहे हो कि ये नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं दिया गया है। नहीं तो आप क्या करते, हल सेम कर लेते और अंश की तुलना कर लेते, है ना। तो जब ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं दिया गया है, तब दी गई संख्याओं को हम क्या करेंगे, तब दी गई संख्याएं जो है हमारी उसको पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। कैसे? इस तरीके से लिखेंगे कि उनका हर सेम हो जाए, क्लियर है। जैसे माइनस आठ बटा चार आपका क्या हो जाएगा, माइनस दो के बराबर। बताओ बच्चों, ये समझ में आई बात? यस मैम। कैसे? हमें हर सेम रखना था, यहाँ पे तो हर है ही नहीं, तो हम माइनस दो को ऐसा लिखेंगे और माइनस एक को इस प्रकार लिखेंगे कि उनका हर सेम आ जाए। माइनस दो को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, माइनस आठ बटे चार ले लिया, तो चार से भाग देंगे, चार दुनी आठ, फिर से क्या आ जाएगा, माइनस दो, और हमने माइनस एक को क्या लिख लिया, माइनस चार बटे चार। बताओ सभी के समझ में आया? यस मैम। ये आपका कितना आ गया, माइनस दो को हमने लिख लिया माइनस आठ बटे चार, और माइनस एक को क्या लिख लिया, माइनस चार बटे चार, चार से चार कटेगा, चार एकम चार, माइनस का माइनस आ गया, क्लियर है। अब बताओ बच्चों, अब तो सभी को समझ में आ गया, अब तो पहले के क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना। मैं फिर से समझा दे रही हूँ बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि माइनस दो और माइनस एक, ये दो संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है। यही तो क्वेश्चन है आपका कि माइनस एक और माइनस दो के बीच में तीन परिमेय संख्याएं बताओ। अब माइनस दो को हम माइनस आठ बटा चार लिख सकते हैं, चार दुनी आठ हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस दो हो गया, और माइनस एक को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का चार बटे चार, चार को चार से भाग देंगे, चार एकम चार, ठीक है। तो ये आपका क्यों करा हमने, इस तरीके से हमने परिमेय संख्याओं में बदल लिया ताकि आपका हर समान रहे, दोनों संख्याओं का अब आपका क्या है, हर सेम है, ठीक है। हाँ, संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आपका। बाकी बच्चे देखें, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हर सेम कर लिया, अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं। तो अंश की तुलना करेंगे तो माइनस चार और माइनस आठ में माइनस आठ छोटा है माइनस चार से, माइनस चार के बाद आएगा माइनस पांच, फिर माइनस छह, फिर माइनस सात, और बटे में चार चलता चला जाएगा। तो इनके बीच में तीन परिमेय संख्याएं आपकी आ गई। दो आपसे तीन परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, हमने तीन परिमेय संख्याएं निकाल ली माइनस एक और माइनस दो के बीच में। यस मैम। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैम। क्योंकि हमें दो संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए हम दोनों संख्याओं के अंश और हर को चार अर्थात तीन प्लस एक से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा किससे कर रहे हैं, हमने माइनस दो की चार से ऊपर नीचे गुणा करी और माइनस एक की भी चार से ऊपर नीचे गुणा करी। तो यदि हम तीन संख्याएं हमें बीच की निकालनी है, तो हम तीन प्लस एक जो भी निकालनी होंगी उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो एग्जैक्ट हमारी उतनी ही संख्या परिमेय संख्याएं निकलेंगी। नोट समझ में आया सभी बच्चों को? कि नोट ध्यान से लिख लो, नोट अपनी कॉपी में लिख लो, क्या था कि यदि हमें बीच में तीन संख्याएं निकालनी है, तीन परिमेय संख्याएं, तो हम तीन प्लस एक जितनी निकालनी होंगी उससे एक ज्यादा, तो तीन प्लस एक कितना हो गया, चार, चार से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। तो दोनों की हमने चार से ऊपर नीचे गुणा करी, माइनस दो की चार से ऊपर नीचे गुणा करी, तो कितना आ गया, माइनस आठ बटे चार, और माइनस एक की चार से ऊपर नीचे गुणा करी तो कितना आ गया, माइनस चार बटे चार। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया माइनस आठ बटे चार, ये आपका हो गया माइनस चार बटे चार। अब समझ में आया हमने चार ही से क्यों ऊपर नीचे गुणा करी, तो एग्जैक्ट हमारी बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकल आई, ठीक है। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? मैम बस एक मिनट। हाँ हाँ कर लें, हो गया मैम। सभी बच्चे नोट करें, मैम हो गया। मैम हो गया। हाँ हाँ करी।
मैम हो गया। ठीक है, तो मैम हो गया। आगे जो है एक मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। जैसे अब यदि मैंने आपसे पूछा -3 और -5 के बीच चार परिमेय संख्याएं बताओ, तो बताएं। संख्या बताएं, माइनस हटा दूं तो और क्लियर होगा, प्लस कर दूं, +3 और +5 के बीच में चार परिमेय संख्याएं बता दूं। +3 और +5, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का उदाहरण इसलिए दिखाया है ताकि प्लस तो आसानी से हो ही जाता है, माइनस में थोड़ा सा बच्चों को वो लगता है। हाँ, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उससे एक ज्यादा करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी दिखाएं। बिल्कुल सही। हाँ, तो क्या करा, हमें चार परिमेय संख्याएं निकालनी थी, तो चार में एक जोड़ो, 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो 5 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ हम 3 की गुणा ऊपर नीचे 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 15/5। और दूसरा 5 की गुणा 5 से ऊपर नीचे करेंगे, वैसे तो 5 से 5 कट जाएगा लेकिन हमें काटना नहीं है, 5 × 25 = 5। तो ये आपकी 2 आ गई जिनका हल क्या है, सेम है, 15/5 और 25/5। अब इनके बीच में आपकी चार परिमेय संख्याएं निकालनी है, आप कोई भी संख्याएं निकाल सकते हो। बीच में आपकी 16/5, 17/5 और 18/5, 19/5, 20/5, कोई भी चार परिमेय संख्याएं इनमें से आप ले लो, ये सारी आपकी क्या है, इनके बीच में परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? सही है मैम। क्या बच्चे? हाँ, मैम ठीक आपकी है क्या कॉपी हमारा? दिखा। हाँ बेटा, सीधी करो कॉपी, कॉपी सीधी करो कैमरे में। हाँ बिल्कुल सही, तो आपने चार परिमेय संख्याएं ले ली, बिल्कुल सही, शुरू की चार ले ली, बढ़िया, गुड। सभी बच्चे दिखाएं कॉपी। सोलह बटे पांच, 17/5, 18/5, 19/5, बिल्कुल सही। कृष्णा देवी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आपका भी सही है। हाँ, कोई से भी आप चार परिमेय संख्याएं ले सकते हो, बिल्कुल सही। अंकुश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। तो सभी को समझ में आया, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। मैम ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछूं सभी बच्चों से, सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे, बताएं इसमें, बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम, नो नो मैम, नो मैम। तो क्या क्या सीखा आज हमने, पहले ये बताएं, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना सीख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा, आपका जिनके हर समान थे, उस तरह की संख्याएं हमने वो निकाली जिनके यस हर समान थे। फिर दो पूर्णांकों के बीच में। हाँ, फिर जिनके हर समान थे तो सीधे अंश की तुलना कर ली, जब उनके हर समान नहीं थे तो हमने हर को समान कर लिया गुणा करके, और जब जिनके हर थे ही नहीं तो हमने क्या करा, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी थी उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा करी और आपकी हर को समान कर लिया। हर समान कर लिया, फिर हमने अंश की तुलना कर ली, अंश की तुलना करके उनके बीच की परिमेय संख्याएं हमने निकाल ली। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम, यस मैम, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे ध्यान से पहले समझें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। आपको क्वेश्चन पहले कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है,
माइनस एक और जीरो के बीच में पांच कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी ये बतानी है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बोलना। माइनस एक और जीरो, माइनस एक और जीरो के बीच में पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है? माइनस एक और जीरो। मैम जी हो गया। हाँ दिखाएं, कॉपी दिखाएं। माइनस एक और पांच, जीरो के बीच में पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है, पांच निकालनी है। तो याद रखना जितनी निकालनी होती है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। बच्चों पहले अपनी कॉपी मुझे दिखाएं फिर आंसर पोल में दें। तो हाँ दिख रही है मुझे कॉपी? पहले आप सभी पांच से नहीं छह से गुणा करोगे। कैसे? पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है तो पांच प्लस एक, पांच प्लस एक कितना हो जाता है? छह। छह से ऊपर नीचे गुणा करो, माइनस एक की छह से ऊपर नीचे गुणा करो और जीरो की छह से ऊपर नीचे गुणा करो। तो ये आपका माइनस एक की छह से गुणा करोगे तो माइनस छह बटा छह, और दूसरा क्या हो जाएगा? जीरो की छह से गुणा करोगे जीरो बटा छह। तो सभी को समझ में आ रहा है जीरो बटा छह और माइनस एक छह बटा छह के बीच में कौन सी पांच संख्याएं आएंगी? वो पांच परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। तो किन्हीं भी दो यदि ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जिनका हर नहीं है तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, बच्चों ध्यान से, दोनों निगेटिव हैं तो क्या करना होगा? आप उनके से एक संख्या ज्यादा लेकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ पांच परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो छह से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। बिल्कुल सही, सचिन मेहरा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, अब इनके अंश की तुलना कर लो, तुलना करके उनके बीच की संख्याएं बताओ। बेटा कॉपी सीधी करो, हेमराज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, कॉपी सीधी करें कैमरे में। हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, आंसर पोल में दे सकते हो। हेमराज के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आंसर पोल में दे दो। मैम हमारा देखना। हाँ बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। एक सेकेंड। मैम हमारा देखना। हाँ दिख रहा है बेटा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे दो। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, अंकित पार्कर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, बिल्कुल सही, आप भी आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हाँ बिल्कुल सही, अंकुश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आपका भी आंसर बिल्कुल सही, सचिन मेहरा के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। रीना के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। आपने माइनस चार बटा छह दो बार लिखा है, पर रीना के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, एक माइनस चार बटा छह होगा, एक माइनस पांच बटा छह होगा, ठीक है? बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी, जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया है वो दिखाएं एक बार अपनी कॉपी। बिल्कुल सही, छह से हमने ऊपर नीचे गुणा कर ली, छह से गुणा कर ली तो आपका हर सेम हो गया। अब अंश में तुलना करनी है जीरो और माइनस सिक्स की, जीरो और माइनस सिक्स की तुलना करके उनके बीच में जो अंक आ रहे हैं वो अंक रखें और हर वही रखें तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं इनके बीच में आएंगी। क्लियर है? बिल्कुल सही, हाँ आप बिल्कुल सही कर लिया आपने। रीना नागर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आप पोल में आंसर दे दो। आपका आंसर मैंने देख लिया था, बिल्कुल सही है, आप भी पोल में आंसर दो। संजय कुमार के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। हाँ सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों कुछ बच्चों ने बी आंसर लगाया है वो अपनी कॉपी दिखाएं, जिन्होंने बी आंसर लगाया वो एक बार कॉपी दिखाएं अपनी। बढ़िया अपनी लगाए तो बढ़िया बेटा। पांच क्यों रखा बटे में? आपको पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हमें जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बढ़िया, सभी ने सही दिया बेटा, मैसेज के साथ साथ पोल में ही आंसर देना है। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब देखते हैं बच्चों, हाँ सभी ने सही आंसर दिया लगभग। तो यहाँ पे क्या था, 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी आपसे, -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। तो हमने क्या किया कि 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए 5 का 1 ज्यादा, 5 से 1 ज्यादा कितना हो गया, 5 + 1 6, तो -1 और 0 की हमने 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, यहाँ भी हमने 6 के ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो ये आपका कितना आ गया, -1 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करी, -6/6, और ये आ गया आपका 0/6। ठीक है, संख्या वही रही, -1 और 0 ही रही, बस उसे परिमेय संख्याओं के रूप में लिख दिया। अब आप तुलना कर सकते हो अंश की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हर दोनों का समान है, दोनों का हर 6 हो गया। तो अंश की तुलना कर लो, -6 और 0 में -6 छोटा है, और -6 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, -5, -4, -3, -2 और -1। तो ये संख्याएं आएंगी, तो आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी बीच में। तो बीच में बराबर दूरी पर 5 बिंदु लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका हो जाएगा -5/6, ये -4/6, ये -3/6, ये -2/6, ये -1/6। ठीक है, ये आपका पहले से ही 0/6 और ये -6/6 है ये बिंदु। तो ठीक है, तो ये आपकी -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आ गई। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था, ये आपका पहला ऑप्शन था, ऑप्शन A। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं बीच में, तो यही सारी आपकी परिमेय संख्याएं -1 और 0 के बीच में आई है। तो आपका ऑप्शन A सही आंसर है इसका। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक था। हाँ, तो यहाँ तक ठीक है। यस मैम, तो ऑप्शन A इसका सही आंसर है, हमारा ठीक था। हाँ, मैम हमारा सही था, बिल्कुल बढ़िया, हमारा भी सही था। बढ़िया बच्चों, सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आप इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक हेडिंग डाल लो बच्चों, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, हिंदी में कहते हैं घातांक और घात। अगला हम पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में, आज ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी, क्योंकि आज ज्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट में जितना हो सकेगा, नेक्स्ट टर्न पे हम इसे पूरा पढ़ेंगे। लेकिन क्या होती है घातांक और घात, उसके बारे में एक तरह सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, घातांक और घात। लिख लिया बच्चों? इंग्लिश में लिखो एक्सपोनेंट्स और पावर। मैम लिख लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या होता है घातांक और घात। सबसे पहले ये देखो, 100 लिखा है, ये 100 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों। 100 को हम जानते हैं, 100 क्या होता है, 10 की 10 से गुणा करते हैं, तो आपको 100 आता है। 10 की 10 से गुणा करते हैं, 10 10 10 2 100 है ना। तो 10 2 बार आ रहा है, मींस हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। बताओ क्लियर है इतना, सभी ने वर्ग पढ़े थे, कितना 2 का वर्ग कितना yes, होता है, 2 × 2 = 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 × 3 = 9। 4 का वर्ग 4 × 4 = 16। इसी तरह ये आपका क्या है, 10 का वर्ग कितना हो गया, 10 × 2 = 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है आपका, ये 100 को हमने क्या लिख लिया, 10 का वर्ग। तो जो 2 है वो आपका घातांक कहलाता है, और जो 10 है वो आपका आधार कहलाता है। तो जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी आधार है, बेस। वो क्या है, आधार है, बेस। और जो ऊपर है वो उसका क्या कहलाएगा, घातांक। घातांक मतलब एक्सपोनेंट, उसकी पावर। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया बेस, और ऊपर वाली संख्या आपकी क्या कहलाएगी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को शॉर्ट में ईएक्सपी लिख दो या पूरा पूरा लिख दो। क्लियर हुआ बच्चों? जब हम yes, ma'am. लिखते हैं 10 का स्क्वायर, तो 10 आपका बेस हो गया, 10 आपका आधार हो गया, और जो 2 है वो आपका क्या हो गया घातांक, उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ? नोट yes, करो, अपनी कॉपी में नोट करो, इतना ही लिख लो 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ताकि आपको याद रहे 100 बराबर है 10 का वर्ग के, जिसमें 10 क्या होगा आपका आधार होगा और 2 क्या हो गया आपका घातांक। यहाँ 10 क्या हो गया आपका आधार हो गया और 2 आपका घातांक कहलाता है। मैम कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं क्या 243 को कैसे क्या लिख सकते हैं, 243 को पहले फैक्टराइज करो, 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दो, 3 9 6, 3 7 21, फिर 3 से भाग दो, 3 9 27, फिर 3 से भाग दो, 3 3 9, फिर 3 से भाग दो, 3 एकम 3। तो यहाँ आपको 3 से कितनी बार गुणा करनी पड़ी, 5 बार। 3 की गुणा कितनी बार हुई, 5 बार हुई, तो आपको क्या मिला 243, 243 है ना, 3 की पावर 5। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही, यही मैं सुनना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 5। 3 को हमने 5 बार गुणा किया तो हमें क्या मिला 243, मतलब 3 की घात 5। तो आधार क्या हो गया, जो नीचे है वो आपका आधार है, आधार 3 हो गया, और जो ऊपर है वो आपका क्या हो गया घातांक। तो घातांक कोई पूछे इसका घातांक कितना होगा, घातांक आपका 5 होगा। क्लियर? एक्सपोनेंट इसकी पावर क्या होगी, 5। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछे इसका आधार, तो आधार 3 और घातांक, तो घातांक कितना आया, 5। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? मैम 2 मिनट लिख लेते हैं। हाँ लिख लो। नो मैम। हाँ हाँ मैं रुकी हूँ। नो मैम। नो मैम। ठीक है, बढ़िया। हो गया मैम। सभी बच्चों ने लिखा? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। हाँ, एक आगे और देखते हैं। तो ये आपका आधार और ये घातांक हो गया, तो 10 की घात 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है इसे। हम 10 की घात 2 को क्या पढ़ते हैं, 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात, ये पढ़ने के तरीके हैं। तो आप 10 की घात 2 ही पढ़ लो। तो ये 100 का क्या है, घातांकीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब भी आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप दिखाओ, तो आप इस तरीके से दिखा दोगे 243 को 3 की घात 5, 100 को 10 की घात 2, ये इसका क्या हो गया घातांकीय रूप, जहां हम उसे घातों में बदल देते हैं। तो ये उसका क्या हो गया घातांकीय रूप हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बच्चों एक बार लिख लो कि हम इसे क्या कहते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यदि कभी आपसे पूछे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाओ, तो आपको बस इसी तरह दिखाना होगा कि 10 की घात 2 में दिखा दो या 3 की घात 5 में। तो ये आपकी क्या हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप। लिख लें, इसे हम क्या कहते हैं, घातांकीय रूप। मैम रुकिए हूँ बच्चों, आप लिख लो आराम से, बस इतना लिखना है कि घातांकीय रूप कहते हैं, हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसे क्या करा घातांक के रूप में लिख दिया, नीचे वाली संख्या आधार हो गई, ऊपर आपका घातांक आ गया।
लिख लिया बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो ये अब इसके बाद ये इसके क्या है, किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या है? घात अभी मैंने समझाया, घात का मतलब क्या है? उसी संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना, जहां हमने वहां तीन की गुणा स्वयं से, उसी संख्या की स्वयं से पांच बार गुणा हुई, कितनी बार हुई? पांच बार। तो वो आपका पांच बार उसकी क्या आ गया? उसकी घात में आ गया। तो घात क्या होती है? वो की उसी संख्या की बार बार अपने आप से ही गुणा होना, जो तीन की पांच बार अपने आप से ही गुणा हुई, तो पांच क्या हो गया? उसका घातांक हो गया। तो ये एक और लाइन लिख लो बच्चों, किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से ही उतनी ही बार गुणा करना है। जैसे बच्चों आप म्यूट कर लें, आपके उससे आवाज शोर आ रही होगी। तो सभी बच्चे ये नोट करें, उदाहरण में दे रखा है, देखो पांच का वर्ग है, तो पांच को दो बार अपने आप से ही, पांच ने अपने आप से ही दो बार गुणा करी तो 25 आया, तो ये इसका घातांकीय रूप हो गया। तीन ने स्वयं से ही तीन बार गुणा करी तो 27 आया, तो ये इसका क्या हो गया? घात हो गई। तो ये तीन इसकी घात हो गई। घात का मतलब क्या है? 243 आया। हाँ 243, 243। हाँ 243 तो ये आपका घात क्या हुई? पांच आपकी घात हो गई। तो घात का मतलब क्या है? उस संख्या को हमने, उसी संख्या को अपने आप से कितनी बार गुणा किया। तो यदि हम उस संख्या को पांच बार गुणा कर रहे हैं तो पांच उसकी घात हो जाएगी। यदि हम उस संख्या को दो बार आपस में गुणा कर रहे हैं तो उसकी घात दो हो जाएगी। या हम उस संख्या की तीन बार गुणा कर रहे हैं तो इसकी घात तीन हो गई। तो मतलब ये है कि घात वो होता है कि हम उसी संख्या की स्वयं से कितनी बार गुणा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। घातांक क्या, थोड़ा सा बस इंट्रो दिया कि घातांक होता क्या है। हाँ बिल्कुल सही, आपकी कॉपी दिख रही है, वेरी गुड। अब इसके बाद अच्छा होमवर्क देख लेते हैं। आप अपनी अवंती की वर्कबुक एक बार, मेरा नहीं है। हाँ हाँ बच्चे लिख ले, लिख ले, सभी बच्चे लिखें। मैम मेरा नंबर ग्रुप में ऐड कर लो ना, ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था। अच्छा आप अपना नंबर मैसेज में लिखो एक बार। मैम मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैसेज का ऑप्शन देखो बच्चे ऐसे आएगा, आपके फोन में नीचे क्या दिख रहा होगा, तीन डॉट दिख रहे हैं आपके फोन में, इधर देखिए नीचे की तरफ तीन डॉट दिख रहे हैं। मैम मैंने कर दिया, लिखा रहा है द चैट इज नॉट अवेलेबल इन दिस टाइम। अच्छा अच्छा एक सेकंड, मैंने शायद चैट ऑफ कर रखी है। हाँ आप करें। आप अपना फोन नंबर और अपना नाम और स्कूल का नाम बता दें, ऐड कर दिया जाएगा। अभी बच्चों होमवर्क और सुन लो, होमवर्क अब आपका क्या है, ये सबने नोट कर लिया। तो अब अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें, पहले एक बार बच्चों होमवर्क देख लें, फिर इसके बाद ही देख लेंगे। तो अवंती की वर्कबुक खोलें। खोलिया मैम। तो अवंती की वर्कबुक पे यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्याओं के बाद जब आप संख्या का, ये पेज नंबर 36 पे, पेज नंबर 36, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। पेज नंबर 36 पे आपके उदाहरण है एक्सरसाइज 26.1 और 26.2, ये दो एक्सरसाइज आपको करनी है, पेज नंबर 36 और 37। बेटा आपका नंबर ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। पेज नंबर 36 और 37 आपको होमवर्क में करना है। ओके मैम। तो सभी बच्चों को होमवर्क, हाँ क्लियर हुआ। अब यदि आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, आप किसी को यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट बच्चों?